हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज मैथ्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेपर में क्वेश्चन आते हैं और कई उनको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एरिया निकालें या पेरीमीटर निकालें, क्या निकालना है। आज उसी पहले तो उसका कंफ्यूजन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के द्वारा हम इसे समझेंगे। सबसे पहले करवा रहे हैं आपको पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, ध्यान से देखना कि जैसे कोई ये है रेक्टेंगुलर खेत है, ठीक है, फील्ड है, आयताकार खेत है, और इसकी ये है 150 मीटर लंबाई और ये है 100 मीटर चौड़ाई। अब आयताकार में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं, ठीक है। अब ये हो गई आयताकार खेत। अब एक बंदा है, इसका जो मालिक है वो इसमें बाड़ लगाना चाहता है, तार लगाना चाहता है, तो वो कहाँ लगाएगा? सोचने वाली बात है, कहाँ लगेगा तार? तार उसकी बाउंड्री पे लगेगा। अब बाउंड्री पे लगेगा तो क्या करना पड़ेगा उसको, ये जो लंबाई है चौड़ाई है, ये लंबाई ये चौड़ाई सभी को ऐड करना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा कि कितना तार लेके आना है। इसलिए परिमाप क्या होता है, परि प्लस माप। परि होता है संस्कृत का वर्ड है, उपसर्ग है, इसका मतलब होता है चारों ओर, और माप यानी मापना, चारों ओर का मापन। कोई भी आकृति आपके पास, उसमें चाहे त्रिभुज है, वर्ग है, सर्कल है, वृत्त या कोई भी पंचभुज षडभुज कुछ भी है, उसके सारी बाउंड्री का जो मापन है वो होता है परिमाप। क्लियर है? अब इसमें परिमाप निकालेंगे क्या आ जाएगा, 150 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 100 मीटर। एक यहां से स्टार्ट किया, बाउंड्री पे हम चलते गए। अब ये दो बार आया है, ठीक है, टू टाइम्स हो गए, और ये भी दो बार आया है, तो टू हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, 150 प्लस 100। इनको ऐड कर दो, टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो परिमाप है उसका फार्मूला क्या होता है, 2 × length + breadth, क्योंकि दो बार आ रहे हैं। क्लियर है? अब मान लो यहां पे वर्ग है, वर्ग है, अब इसका बताना है हमें, इसकी ये साइड है 5 मीटर, ये 5 मीटर है, कोई फोटो है, ठीक है, उसके फ्रेम लगवाना है। अब फोटो के फ्रेम कहाँ लगेगा, बाउंड्री पर, इसका मतलब क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप निकालना है पेरीमीटर, क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, कितना जाएगा 20। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, 4 साइड है, 5 इसकी क्या है लेंथ है, साइड है एक, तो 4 × side, इसका ये फार्मूला हो गया। कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास फिगर है उसकी सभी साइड को आप बाउंड्री को ऐड कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। इतना क्लियर है? इसमें एक वर्ड आता है रेगुलर, इंग्लिश में रेगुलर आता है, हिंदी में सम आता है, सम चतुर्भुज, सम पंचभुज, सम षटभुज, ठीक है, इस तरह से सम त्रिभुज। तो उसमें क्या होता है रेगुलर, यानी वो सारी साइड बराबर हैं। अब सम पंचभुज आ जाए, सम पंचभुज, इसका मतलब क्या है, 5 भुजाएं हैं, पंचभुज 5 भुजाएं हैं, सम बराबर हैं, तो 5 × भुजा, क्या ये फार्मूला आ गया इसका परिमाप का। वर्ग में 4 होती हैं, सम चतुर्भुज, तो 4 × भुजा साइड। अगर ट्रायंगल है उसमें 3 साइड होती हैं और तीनों इक्वल है साइड, तो 3 × भुजा। इस तरह से हम करते जाएंगे जो रेगुलर हैं, सम हैं उनके लिए। और अगर रेगुलर
अगर नहीं है, अलग अलग साइड है, तो उनको ऐड कर देंगे। इसके बाद आ गया हमारा क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल क्या होता है। अब कोई बंदा है, उसे खेत यही है उसका, ठीक है, फील्ड यही है, इसमें उसे घास लगानी है, इस फील्ड में घास लगानी है। अब घास कहां लगेगी? इसके अंदर लगेगी। इसका मतलब क्या है कि जो इसके बाउंड्री के अंदर का जो क्षेत्र है वो होता है हमारा एरिया क्षेत्रफल। अब इसको निकालते कैसे हैं? जो ये आयताकार होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है? 150। चौड़ाई क्या है? 100। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 15,000 आ गया। ये आएगा वर्ग मीटर। अब यहां पे वर्ग क्यों लगा है? वर्ग को समझो, ये जो है इसमें यहां से ऐसे टुकड़े बनाए गए, छोटे क्वेश्चन से करते हैं। मान लो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी ये है 5 मीटर और ये है 3 मीटर, इसके टुकड़े बना दिए इक्वल 1 2 3 4 5, इस साइड 5 हो जाएंगे, इस साइड 3 हो जाएंगे, 1 2 3। अब जो ये स्क्वायर बने हैं, ये 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है, ये एक स्क्वायर बन गया, वर्ग वर्ग बन गया। तो इसमें कितना एरिया है? ये है 1 मीटर, यानी एक वर्ग है वो, उसमें कितना है? 1 मीटर। यहां पे इतने 1 2 3 4 5, 5 3 जा 15, 15 वर्ग मीटर आ गया ये, यानी इसमें 15 वर्ग बने हुए हैं। इसी तरह से होता है, ये वर्ग इसलिए लगता है। यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है परिमाप में, डायरेक्ट जो मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, फीट है, जो भी दिया है वही लगेगा, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? अब पता कैसे चला कि बाउंड्री पे अगर कुछ करना है, बाड़ लगानी है, तार लगाना है, दीवार बनानी है, तो क्या निकालेंगे? परिमाप। और अगर इसके अंदर कुछ करना है, घास लगानी है, कारपेट बिछानी है, टाइल बिछानी है, ठीक है, तो फर्श बनाना है, तो वो क्या होगा? क्षेत्रफल। इसके बाद हम करेंगे, अब क्षेत्रफल का पता चल गया क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है कई बार कि इसमें टाइल लगानी है, तो इस एरिया में कितनी टाइल लगेंगी? अब कितनी टाइल लगेंगी संख्या बतानी है, तो वो कैसे निकलेगी? टाइलों की संख्या, जो इसका क्षेत्रफल आया है, कुल क्षेत्रफल, उसको डिवाइड कर देंगे एक टाइल के क्षेत्रफल से। जो एक टाइल का एरिया आएगा उससे कुल जो उसका एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या देगी? टाइलों की संख्या, ठीक है। इसमें एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं, अभी बताती हूँ आपको। यही क्वेश्चन ले लेते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि इसके बार बार से एक पगडंडी बना दी ऐसे। अब जो ये पगडंडी है ना, ये इसका एरिया निकालना है। अब चाहे इसका पूछ ले, चाहे इसका पूछ ले, हमें निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे? एक बार तो बाहर का एरिया ले लेंगे, कितना आया था हमारा? 15,000 वर्ग मीटर। अब अंदर कितना?
ये पगडंडी इसकी चौड़ाई मिलेगी आपको जरूर। मान लो ये है 10 मीटर की, 10 मीटर चौड़ी एक पगडंडी बना दी है, रास्ता बना दिया है। अब अंदर का जो क्षेत्रफल बच गया वो कितना है और इसका कितना है, कैसे करेंगे? जो 150 है इसमें अब ये 10 माइनस हो जाएगा, इधर से 10 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, 150 माइनस 20, 130 मीटर। अब यहां से ये है 100, इसमें से 10 ये माइनस हो गया, 10 ये हो गया, कितना हो जाएगा, 80 मीटर। अब इसका अंदर का एरिया क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। और पगडंडी का कितना जाएगा, इसमें से इसका जो आएगा उसको माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा। क्लियर है? ये तो बात हो गई कि कोई पगडंडी बाउंड्री पे आ जाए। अब कई बार बीचों बीच भी आ जाता है, इस तरह से भी आ जाता है। ये लंबाई दे देते हैं, ये चौड़ाई दे देते हैं, इसकी भी दे देते हैं, ये ठीक है, कुछ भी मान ले, एक्स मान ले, तो कैसे निकालेंगे? वही, पहले तो पूरे का निकाल लेंगे, उसके बाद ये लंबाई तो इसकी तो सेम रहेगी, एल तो वही रहेगा, इसकी चौड़ाई एक्स हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा यहां से। फिर इसका निकाल देंगे ई इंटू एक्स, इसका आ जाएगा। अब ये वाला पोर्शन है, ये दोनों में कॉमन है तो ये माइनस कर देंगे, ठीक है? इसकी कितनी होगी, ये एक्स तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे इसमें से। अब टोटल में से ये वाला सारा है, इसको या क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये सोल्व करके टोटल में से माइनस कर देंगे तो इस पार्ट का आ जाएगा, बचे हुए पार्ट का। और ये सारा किसका आया है, पगडंडी का। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब आपको बताती हूं मैं कुछ फार्मूले हैं और उनमें कैसे क्वेश्चन निकालेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तो मैंने बता दिया, इजी होता है। क्षेत्रफल की हम फार्मूले देखेंगे अभी। आयत का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमने अभी आयत का किया था, क्या था, एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही किया था। अब वर्ग में तो बराबर होती है लंबाई चौड़ाई, बराबर होती है, तो उसको एल इंटू एल भी कह सकते हैं या साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं, जो भी गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है? या ए स्क्वेयर भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम एल स्क्वेयर ही ले लेते हैं। इतना क्लियर है? अब एक है वर्ग का क्षेत्रफल, कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं कि कोई वर्ग है और उसका डायगोनल दे देते हैं, विकर्ण दे देते हैं, डी ये लंबाई दे देते हैं, साइड वगैरह कुछ नहीं देते। एक वर्ग का विकर्ण, विकर्ण गिवन होता है डायगोनल, अब इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसमें भी एक फार्मूला होता है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। इस विकर्ण को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 कर देंगे, ये आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज में आ जाए तो भी क्या होगा, उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन एंगल क्या है, अलग हो सकते हैं। वर्ग में 90 डिग्री होता है और समचतुर्भुज में कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन भुजा है वो बराबर होती हैं, तो उसके जो डायगोनल होते हैं वो अलग भी हो सकते हैं, उसका क्या हो जाएगा, 1/2 डी वन इंटू डी टू, यहाँ पे डी ए की है तो डी इंटू डी है, यहाँ डी वन डी टू यानी दोनों की मल्टीप्लाई, फॉर्मूला वही है, सेम है।
ठीक है। अब इसके बाद अगला है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसमें दो तीन तरह की त्रिभुज देते हैं। एक होती है हमारी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होती है? ये एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये एच हाइट, ये बेस, 1/2 हाइट ऊंचाई गुणा में आधार बेस, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का। अगर हमारे पास तीनों साइड साइड दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, हीरो का फार्मूला होता है, सूत्र होता है अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या है यहाँ पे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। तीनों भुजाएं गिवन है, दे रखी हैं, उनको ऐड कर दो, टू से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आए एस उसको क्या है, एक बार तो पहले भुजा में से माइनस करो, फिर जो दूसरी भुजा है उसको माइनस करो एस में से, फिर तीसरी भुजा को माइनस करो और एक बार उसको ऐसे ही रख दो, उन सब की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उनका फिर स्क्वायर रूट निकालना है। ये हीरो का फार्मूला है, ये जिसमें तीनों भुजाएं गिवन होती हैं उसके लिए यूज होगा। अभी अभी ये फॉर्मूले करवाए हैं, इनके आधार पर कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ, कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि क्षेत्रफल बताओ, परिमाप बताओ, बल्कि घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं। कैसे आएंगे क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आयत का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दी है, अब चौड़ाई बतानी है, कैसे करते हैं? यहां लिखा हमने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है सबको, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल है 150, इक्वल का साइन, लंबाई की जगह लिख दिया 50 और चौड़ाई पता नहीं, उसको बी रख दो या फिर एक्स ले लो। अब क्या करेंगे, 150, अब यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल में बी, ये कट गया, 5 3 15, तो बी कितना आ गया, बी इक्वल टू 3 मीटर। इस तरह से करेंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिख के उसमें जो भी गिवन है, दिया हुआ है, वो लिख लेंगे, जो बच गया उसको एक्स मान लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कि वर्ग है, वर्ग का परिमाप सौ मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। एरिया बताना है अब इसका, पेरीमीटर गिवन है, एरिया निकालो। कैसे करेंगे, अब हमें पता है परिमाप दे रखा है तो परिमाप ही लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला आता है वर्ग का, 4 गुणा में भुजा होता है। अब परिमाप कितना है, 100, 4 गुणा में भुजा। अब 4 से इसको 100 को डिवाइड कर देंगे, यहां भुजा रह गई, कितना आ गया, 25, तो भुजा कितनी आ गई, 25 मीटर। अब एरिया निकाल दो, एरिया क्या होता है, ए स्क्वेयर भुजा की स्क्वेयर। अब भुजा कितनी आई, 25, 25 की 2 कितनी हो जाएगी, 625 वर्ग मीटर। ये ध्यान देना है, एरिया में वर्ग मीटर जरूर लगाना है और इसमें नहीं लगता, क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जो भी गिवन है, दिया है, उसका फार्मूला लिखो,
जो नहीं दिया है उसको x मानो और x की वैल्यू निकाल दो इक्वेशन बना के। क्लियर? एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है और कर्ण है वो, यानी जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर है, हाइपोटन्यूज है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल का एरिया बताना है। कैसे करेंगे? अब इन्होंने दी है ये समकोण त्रिभुज, ये है 90 डिग्री का, यहाँ पे ये आधार है, ये कितना है 6 और ये है 10। अभी मैंने बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, हाइट बताया था। अब हाइट तो ये है इसकी, ये कैसे निकाले? इसके लिए आपको पता है समकोण त्रिभुज है ये, कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 प्लस लंब की 2, बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर। अब ये मैंने उसमें भी करवाया था, जो डायरेक्शन रीजनिंग में डायरेक्शन में करवाया था मैंने। अब कैसे निकालेंगे? कर्ण दिया है 10, 10 की 2, आधार दिया है 6, 6 की 2, और लंब दिया नहीं है, इसको h मान लिया, h की 2। अब ये हो गया 100, ये कितना हो गया 36, 36, और ये हो गया h2। अब कितना करेंगे? 100 में से 36 गए इधर आ जाएंगे तो माइनस हो गया ये, यहाँ h2, ये कितना बच गया अब 64, ये कितना बच गया h2 इज इक्वल टू 64। अब h क्या आ जाएगा? 64 का अंडर द रूट, इधर स्क्वेयर है तो उधर जाके अंडर द रूट हो गया, वर्गमूल हो गया, तो h इज इक्वल टू, अब 64 किसका स्क्वेयर रूट है? 8 का, इस तरह से आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में रख दो, क्या आ जाएगा? 1/2, बेस कितना है 6, आधार 6 और ऊंचाई कितनी हो गई 8, कितना आ जाएगा? 2 * 3 = 6, 24 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्या आ गया? एरिया, क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है? इसके बाद हम वृत्त के बारे में और पढ़ लेते हैं कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्त में वैसे परिमाप नहीं कहते, वृत्त में परिधि कहते हैं, ये सेंटर है, केंद्र है ओ। अब यहां से हम 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेते हैं, रेडियस, और एक वृत्त खींचते हैं, इसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। अगर इसको सामने मिला दें, अब ये क्या बन गया? व्यास, और इंग्लिश में डायमीटर, ठीक है। अब इसमें जैसे चक्कर, यहां से ये पूरा एक चक्कर लगाया है, तो ये इसको कहते हैं परिधि, सर्कमफ्रेंस, परिधि। और इसका फार्मूला होता है 2 πr, और इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या आएगा? πr². पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 22/7। और अगर 3.1 रखा हो तो ये लेंगे, नहीं दे रखा तो हम ये यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद कई बार क्या होता है, पेपर में व्यास दे देते हैं कि वृत्त का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताइए, तो व्यास दिया है तो अर्धव्यास निकालेंगे। हिंदी में रेडियस को अर्धव्यास भी कहते हैं, तो आर निकालने के लिए व्यास का हाफ कर देंगे, कितना आ गया? 7, तो 7 इसकी आर आ गई, रेडियस आ गई। अब इसमें रख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई में आर कितनी हो गई? 7 × 7, 7 से 7 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं इसमें वृत्त में। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे थोड़ा और अलग आते हैं,
वो आपके लिए एक अलग वीडियो में लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आपको पूछना है कि हमें और टॉपिक क्लियर करवाना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी जो कमेंट आएगा उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। और इसके साथ ही आप लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।